दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, रेलवे कांस्टेबल भर्ती यानी कि RPF 2018, दोस्तों RPF 2018 के जो तमाम जोन्स थे उनका रिजल्ट फाइनली रूप से डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट आया था 2-3 रोज पहले, वो डी जोन का था। ठीक है, तो डी जोन का जो दोस्तों मेरिट है OBC का 120/120 यानी 120 में से 120 मार्क्स जिन बच्चों के थे उनको सिलेक्ट किया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों ये एक स्कैम है, इतना कट ऑफ और वो एक ऑनलाइन पेपर में वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। और जिन बच्चों पे 105, 102, 107 या 108 या 110, 112, 13 या 119 तक आप मांग सकते हैं, तो उनका यहाँ पे नंबर नहीं आया और मेरिट टिक गया 100% मेरिट। तो दोस्तों, ये लॉजिकली रूप से ऐसा संभव नहीं हो सकता कि 120 में से 120 नंबर कोई अभ्यर्थी प्राप्त कर ले। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वैसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेरा चैनल ये क्लियर कर देना चाहता है, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर एक वीडियो बना दीजिए, हम इसके लिए कुछ कोर्ट वगैरह में अपील करेंगे, तो उसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको लोगों को क्या करना है। जितने भी डी जोन से OBC के अभ्यर्थी रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो क्या करना है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों, रेलवे कांस्टेबल भर्ती 2018, अब आपको क्या करना है देखिए, कट ऑफ आपको फिर दिखला देते हैं हम। 120 देखिए डी जोन्स का है, 120 किया है, SC का आप देख सकते हैं, ST का आप लोग देख लें, UR का आप लोग देख लें और एक्स सर्विसमैन का देख लें। एक और क्वेरी जा रही थी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियों को लेकर के, तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसियां हैं देखिए, प्रत्येक जोन में 10% महिला और पुरुष की जो वैकेंसियां हैं उनको जोड़ लीजिए और उसका 10% एक्स सर्विसमैन के लिए निकाल दीजिए। तो ये चीज़ आई थी, ये भी चीज़ सामने थी कि एक्स सर्विसमैन को टोटल जो वैकेंसियाँ थी उनमें से 10% मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्येक जोन के पुरुष और महिलाओं की संयुक्त रिक्तियों का 10% होगा। तो प्रत्येक जोन के लिए हैं ये एक्स सर्विसमैन भी, इसमें काफ़ी संख्या में लिए गए हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, जैसे कल आपकी 13 अगस्त है, ठीक है, 13 अगस्त को सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है कहां पर, SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को पहुंचना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर और एक व्हाट्सएप जो लिंक है ग्रुप का वो प्रोवाइड करा रहा हूं, संबंधित अभ्यर्थी जो भी इसमें इच्छुक हैं इस चीज़ को लड़ने के लिए लीगल तौर पे, न्यायिक तौर पे, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा और आपको एक ग्रुप मिलेगा व्हाट्सएप ज्वाइन करने का, तो उस लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के ठीक नीचे मुझे ये भी पता है जिन अभ्यर्थियों का 120 में सिलेक्शन हो वो भी इस पर कमेंट करेंगे, वो मुझे गलत ठहराएंगे, तो बिल्कुल भी इस वीडियो पर गलत और गाली गलौज कमेंट करने की कोशिश ना करें, अन्यथा कमेंट डिसेबल कर दिए जाएंगे। आप लोगों की भलाई के लिए है ये दोस्तों, जिन्होंने 120 में से 120 जाना कहीं का भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए OBC का जो कट ऑफ है जनरल से ज़्यादा नहीं जा सकता, ऐसा हमने राजस्थान की जो बड़ी भर्ती है RAS जिसको बोला जाता है उसमें भी देखा था कि जो प्री का कट ऑफ है वो यहाँ पर ज़्यादा चला गया था, उसको यहाँ पे कोर्ट ने चैलेंज किया गया था और वापस से उस कट ऑफ को बराबर कर दिया गया था जनरल के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से चैलेंज की जा सकती है। आप कल 13 अगस्त 9 बजे ज़रूर पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख लें वो जो मोबाइल नंबर और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।